पार्वती मैया सदानंद कार्तिक जिसे कह रहे हैं कार्तिक के हृदय में शुभ भगवान शंकर के हृदय में विराजमान। जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो पांडवान और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र करता है। संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो कल बैठा है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात न लगे, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जमके बोला, जमके बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, अपने द्वारा किसी को हृदय में भाव है, कहीं भी किसी को ठेस ना हो। किसी अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, भाव से किसी को ठेस ना हो। महाराजा तारकासुर को मारने के लिए सदानंद कार्तिक चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के तीन बेटे थे, तीन पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीन बात कही थी। बच्चों को खूब पढ़ा, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन करा, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था, परसों बोला था, जम के बोलो परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। परसों बोला, बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझ लें। लाइफ के गेम में प्लेयर्स तो सो की कथा में कहा था, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से भी हिम्मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझ लगे कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ। बच्चों में जितने संस्कार होंगे तो बच्चे तुमका तुम्हारा अगर आज आदर कर रहे हैं तो जिंदगी में उन बच्चों का भी आदर होगा। अगर आज आदर कर रहे हैं तो उन बच्चों का जिंदगी में आदर होता जाए जाए। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष
शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है, तो हम इससे बदला लेंगे, हम इससे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया, अब शिव कथा कर रही है। तीनों ने ब्रह्मा जी का मारा, तप 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 और ब्रह्मदेव से तप कर कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूट छूट, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूट छूट, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना छूट छूट। ब्रह्मा जी बोले, ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे मरण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे, निश्चित है, शरीर तो छूट शरीर तो छूट, ये तो पक्का है कि प्राण का प्राण तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के तीन बेटों ने तारका का विदुन मालिक कमला काकी ने तीनों ने वर मांगा, अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तारकासुर हम तुम्हें वर प्रदान
जो महापुराण के अंदर अश्वपति अस्त्र अश्वपति व्रत अश्वपति योग तीनों की गणना अश्वपति योग और पशुपति एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली बजाकर साथ लगा जिन्होंने इतना लंबा समय बैठकर कथा का रसायन किया और प्रदेश का राजा अगर सनातनी भाव रखते हैं धर्म के प्रति रुचि रखते हैं तो संपूर्ण प्रदेश का कल्याण जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ समझिए।